नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया के बारे में। पाकिस्तान ने इसको ये इंट्रोड्यूस किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, इस रेजोल्यूशन को बाद में अडॉप्ट कर लिया गया और अभी ये इंटरनेशनल डे ऑफ इस्लामोफोबिया मनाया जाएगा। तो इसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम इसको कवर करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का इस पर क्या रिस्पॉन्स था, तो हम उसे भी देखेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, हाल ही में पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मुनीर अकरम ने यूनाइटेड नेशन में इस रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया, इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। इस रिजोल्यूशन को 193 मेंबर्स ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 193 मेंबर्स ने अडॉप्ट कर लिया और प्रोक्लेम किया कि 15 मार्च को हम इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया मनाएंगे। तो अभी आपने याद रखना है कि इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया कब मनाया जाता है, 15 मार्च। इसके अलावा मैंने एक वीडियो में आपको बताया है कि नेशनल डॉल्फिन डे भी इस साल से शुरुआत हो रही है इसकी, तो ये भी कब मनाया जाएगा और इससे क्या क्या रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये भी हम कवर मैंने अलग वीडियो में कवर किया है, आप चाहें तो उसको जरूर देखें। और वर्ल्ड स्पैरो डे भी मैंने कवर किया था, काफी इंपॉर्टेंट है, इस हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस वो भी देखें, सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अब देखो, पाकिस्तान ने इसको इंट्रोड्यूस किया ऑन बिहाफ ऑफ OIC। OIC माने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कंट्रीज। तो OIC कंट्रीज ने मिलकर इनके बिहाफ में पाकिस्तान ने क्या किया, इसको इंट्रोड्यूस किया। अब यहाँ पे एक बात जरूरी याद रखना है कि इसको स्पॉन्सर किस किसने किया। तो एक तो OIC मेंबर्स कंट्रीज जो 57 मेंबर्स हैं, इसके अलावा 8 और कंट्रीज थी जिन्होंने इसको स्पॉन्सर किया। अब ये जो 8 कंट्रीज थी, इनमें एक है रशिया और एक है चाइना। अब आप यहाँ पे चाइना का दोगलापन देखिए, चाइना की हिपोक्रेसी देखिए। अपने यहाँ पे उइगुर मुसलमानों का उसने जीना आराम कर दिया है, ना जाने कितनों को उसने मार ही दिया, कंसंट्रेशन कैंप्स में रख रहा है, महिलाओं के रेप हो रहे हैं वहां पे। और पता है जहां पे उइगुर रहते हैं वहां पे हर जगह CCTV कैमरा लगाए, एक एक चीज के ऊपर नजर रखी जा रही है। लेकिन हिपोक्रेसी पाखंड है कि ये इसको भी समर्थन कर रहा है, इस्लामोफोबिया का समर्थन भी कर रहा। और इतना ही नहीं, आप देखो कितनी मुस्लिम कंट्रीज है लेकिन एक भी ऐसी नहीं है जो ओपन खुले में आके चाइना का विरोध करे, तो क्या रिलीवेंस रह जाती है, ये आप खुद समझिए। लेकिन आपको याद रखना जरूरी है कि OIC में 57 मेंबर्स हैं, इनके साथ मिलकर रशिया और आपके पास चाइना और उसके साथ 6 और कंट्री, यानी 8 OIC मेंबर्स प्लस 8 और कंट्रीज जिन्होंने इसको स्पॉन्सर किया। लेकिन अब भारत का रिस्पॉन्स क्या है, भारत का बड़ा सीधा सीधा जेन्युइन और प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स है। भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है यूनाइटेड नेशन में, हमारे एम्बेसडर TS त्रिमूर्ति जी, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हम एक कंसर्न एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमारे को कंसर्न है कि भाई आपने फोबिया बताया, अच्छी बात है, लेकिन एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए बताया और उतने एलिवेट कर दिया उसको इस लेवल तक कि हम इंटरनेशनल डे मनाएं। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये जो फोबियाज हैं ये सिर्फ एक धर्म तक रिस्ट्रिक्टेड हैं, यानी अब्राहमिक रिलीजन्स तक की हैं। जैसे कि अब्राहमिक रिलीजन कौन कौन से होते हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ज्यूज। तो ऐसा नहीं है कि इधर तक की आपके रिस्ट्रिक्टेड है आपका फोबिया, बल्कि हिंदुओं के ऊपर पाकिस्तान में अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, यूनाइटेड नेशन बुत बन के बैठा हुआ है, उसने क्या नहीं कुछ बोला। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों का आए दिन रेप हो रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, बांग्लादेश में सेम हो रहा है, हिंदू मारे जा रहे हैं, लड़कियों के रेप हो रहे हैं, मंदिर तोड़ा गया, हाल ही में इस्कॉन का टेम्पल तोड़ा गया था, पूरा जला दिया गया, हमारे यहाँ पे प्रभुपाद जी की पूरी वो स्कल्पचर उसको फूंक दिया गया। तो ये इन सब चीजों के ऊपर यूनाइटेड नेशन बुत बन के बैठा है। तो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तुम चुप हो, सिखों, हमारे सिख भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, तुम चुप हो, बौद्ध भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, तुम चुप हो। तो आपका फोबिया सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन तक सीमित क्यों है। उन्होंने कहा कि ये हेटेड है, यहाँ पे नॉन अब्राहमिक रिलीजन जो है उनके खिलाफ भी नफरत है लोगों में, हिंदुओं के खिलाफ भी नफरत है, सिखों के खिलाफ भी, बौद्धों के खिलाफ भी लोगों में नफरत है। तो इन लोगों के बारे में फोबिया क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता है, आपका रिस्ट्रिक्ट अब्राहमिक रिलीजन तक सीमित क्यों है, कौन क्या सीमित है, फोबिया, कि आपका फोबिया नॉन अब्राहमिक रिलीजन तक क्यों नहीं पहुंचता है, उनके खिलाफ भी अत्याचार हो रहे हैं। हमारे एम्बेसडर TS त्रिमूर्ति जी ने एग्जाम्पल भी दिए, जैसे कि सिख पिलग्रिम्स के जो गुरुद्वारे में थे उनके ऊपर उनका मजाकर, उसके अलावा हमारे मंदिरों में जैसे मैंने बताया पाकिस्तान बांग्लादेश में इस्कॉन का मंदिर, इनको डिस्ट्रक्ट किया गया, इनको अटैक किया गया, इनके ऊपर लोगों को मारा गया, यहाँ पे तुम चुप हो। बामियान बुद्धा को तालिबान ने बम से उड़ाया गया था दोस्तों, ये बुद्धा स्कल्पचर्स थे,
इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई है, आपको जरूर देखनी चाहिए। मैंने विस्तार से बताया है उसमें, इसमें फिर बता देता हूँ। गुप्ता से लेके तो कनिष्क आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलता था। और यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे इन्होंने पहले गोलियां चलाई और उसके बाद इन्होंने फिर बम से उसको उड़ा दिया। तो बामियान बुद्धा को डिस्ट्रॉय किया गया तालिबान के द्वारा, यूनाइटेड नेशन बुत बन के बैठा रहा। तो क्यों बुत बन के बैठा रहता है भाई तू? बाकी जगहों पे जब तुझे बोलना है तो जहां पे तुझे बोलना चाहिए वहां पे तो नहीं बोलता है। अब हमें इसमें हमारे टीएस त्रिमूर्ति जी ने कहा कि अगर मुसलमान भाइयों पर अत्याचार होता है, डिस्क्रिमिनेशन होती है, हम उसके खिलाफ हैं, उसका समर्थन नहीं करते हैं। हम तो भारत से आते हैं जो कहता है वर्ल्ड इज वन, पूरी दुनिया एक है। लेकिन आप जो इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं वो अच्छी बात है, मगर आप हिंदू फोबिया की बात नहीं कर रहे, सिख फोबिया की बात नहीं कर रहे, आप बौद्ध फोबिया की बात नहीं कर रहे, आप ज्यूस की फोबिया की बात नहीं कर रहे। ज्यूस को मारने के लिए तुली है कितनी मुस्लिम कंट्रीज, लेकिन आप चुप हैं। यूनाइटेड नेशन देखिए, हिपोक्रेसी देखिए, कि रशिया जब यूक्रेन पे युद्ध करने वाला था भी किया नहीं था, तो यूनाइटेड नेशन बजाय इसके कि इधर शांति करवाए, वो भारत को बोल रहा है कि राणा यूब के ऊपर जो ईडी का केस है वो गलत है। अरे भाई, राणा यूब हमारे भारत की बेटी है, इंडियन है, इंडियन सिटीजन है, अगर उसको लगेगा अत्याचार है तो उसके पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वो जा सकती है। तू क्या उधर बैठ के तू इस चीज के लिए तू आया था कि मतलब जो इंटरनल मैटर्स है वहां पर आके तू प्रवचन दे? तेरा क्या बताए? राणा यूब हमारी इंडियन है, अगर उसके ऊपर अत्याचार होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाएगी, देश उसके साथ है, तू क्या उधर बोल रहा है? तो खैर, अब ये देखिए कि यूनाइटेड नेशन इन सब चीजों पे चुप है, लेकिन फिर वो बामियान बुद्धा पे चुप है, ठीक है, सिखों पे चुप है, बौद्धों पे चुप है, मंदिरों पे चुप है, हिंदुओं पे चुप है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है। तो आप बामियान बुद्धा की वीडियो जरूर देखिएगा, मैंने उसको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि बाकी रिलीजियो फोबिया भी हैं, जैसे एंटी हिंदू है, एंटी बौद्ध है, एंटी सिख फोबियाज है, ठीक है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे ये एक्नोलेज यानी ये मानने की जरूरत है कि रिलीजियो फोबिया की प्रेवलेंस है, तो रिलीजियो फोबिया एक मेन इशू है। तो इसलिए एक पर्टिकुलर रिलीजन का जो फोबिया है उसको सिंगल आउट करने के बजाय हमें एक रिलीजियो फोबिया की बात करनी चाहिए, जिसमें सारे ही धर्म सम्मिलित हो जाएंगे, हिंदू भी हो जाएंगे आपके पास, सिख भी हो जाएंगे हमारे भाई, और हमारे पास बौद्ध भी हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, और एक पर्टिकुलर हम रिलीजियो फोबिया की बात करें, इसको एक्नॉलेज करें, इसकी प्रेवलेंस को एक्नॉलेज करें, ना कि सिर्फ एक प्रकार के फोबिया को सिंगल आउट करें। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही जबरदस्त बात हमारे जो टीएस त्रिमूर्ति जी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि इंडिया जो यूनाइटेड नेशन है उसको रिलीजियस मैटर से ऊपर उठना चाहिए, धर्म से ऊपर उठना चाहिए, ऐसा ना हो कि यूनाइटेड नेशन भी अपने आप में रिलीजियस कैंप्स में, धार्मिक जो कैंप है उनमें डिवाइड हो जाए। क्योंकि अगर आप ऊपर उठोगे तभी ये एक प्लेटफॉर्म बन पाएगा पीस और हार्मनी का, भाईचारे का, शांति का। इंडियन एम्बेसडर ने यह भी कहा कि हम ऑलरेडी इंटरनेशनल डे कमेमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ और इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस, इसको मनाते हैं हम, इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस को मनाते हैं हम, वो इंटरनेशनल डे भी मनाते हैं जब धर्म या बिलीफ यानी आपने ट्रेडिशन कल्चर मान्यताएं इनके आधार पर अगर किसी को विक्टिम, अगर किसी को अन्याय होता है, किसी के साथ अन्याय होता है, तो उस विक्टिम को हम कमेमोरेट करें, यानी कि कमेमोरेट का मतलब होता है याद करना। तो उसके लिए भी हम इंटरनेशनल डे मना रहे हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस भी मना रहे हैं। तो जब हम ऑलरेडी इंटरनेशनल डे, दो दो इंटरनेशनल डे धार्मिक सद्भावना, पीस, हार्मनी इन सब के लिए मना रहे हैं, तो फिर इसलिए इसमें इस्लामोफोबिया का क्या लॉजिक बनता है? तो इसलिए हमारा ये बोलने का ये मतलब था कि इस्लामोफोबिया से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सिर्फ सिंगल आउट ना करें, आप सारे धर्मों की बात करें। तो ये भारत का रिस्पॉन्स था। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे जीके वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।